हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैम 2023 का फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। ये देखिए, जैम का ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, ये सर्च करिए जस्ट कि जैम ऑफिशियल वेबसाइट 2023, और फर्स्ट लिंक पे जाइए। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कंडक्ट कराएगा IIT गुवाहाटी। तो यहाँ पर ये देखिए, हाईलाइट इंपॉर्टेंट डेट्स। ये देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है सितंबर 7 से, अक्टूबर 11 है इसका लास्ट डेट। जल्दबाजी मत कीजिए क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है, अक्टूबर 11 है लास्ट डेट। अब क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा शॉर्ट में। तो पहले जाइए इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में, इसमें ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में जाइए। अब यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़िए। पहले पहले क्या क्या चीज़ पढ़नी है, ये देखिए, ये पहले पढ़िए कि ये देखिए शुरू हो गया एप्लीकेशन। अब लास्ट डे एप्लीकेशन क्या हुआ, अब देखिए कब हमारा एडमिट कर देगा, ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब पढ़ लीजिएगा। अब कॉन्टेंट्स यहाँ पर मैं फर्स्ट बोलूँगा कि जो भी आपका कैटेगरी है, SC ST स्टूडेंट्स के लिए तो SC ST का अलग से कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, तो वही सर्टिफिकेट आपको डालनी होगी कैटेगरी को, आपको मतलब प्रूफ करने के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रूफ। तो और जो OBC NCL वाले हैं, OBC सर्टिफिकेट जिसके जिसके पास है आप में से, आप OBC के द्वारा, क्योंकि OBC को अगर आप OBC से अप्लाई करोगे जैम में, तो फिर आपका मतलब कट ऑफ OBC जनरल से तो कम होता है। तो अभी OBC के लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ बोलना चाहता हो, ये देखिए, ये है OBC का प्रोफॉर्मा, ठीक है। यहाँ इस पेज में जाइए, इसको प्रिंट आउट करवा लीजिए। आपका स्टेट OBC सर्टिफिकेट अगर होगा, अगर आप सपोज मैं बोल रहा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल के लिए बोल रहा हूँ, तो अगर आपका स्टेट OBC सर्टिफिकेट होगा तो फिर आप OBC सर्टिफिकेट को, उस OBC सर्टिफिकेट के थ्रू आप इसको बना लीजिए। आपकी DM ऑफिस या फिर SDO ऑफिस में जाइए, जाकर आप ये फॉर्म को फिलअप करके वहाँ ले जाइए आपके स्टेट OBC सर्टिफिकेट के साथ। वो उस फॉर्म के रेस्पेक्ट में, आपका जो स्टेट OBC सर्टिफिकेट है उसका रेस्पेक्ट में इसको आप सिग्नेचर करवा लीजिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा, या फिर ये जो ऑफिसर्स है, ठीक है, ये पढ़ लीजिए कौन से ऑफिसर्स यहाँ पर साइन करने के एलिजिबल है, उसके द्वारा, उनके द्वारा ये सिग्नेचर करके सील करा लीजिए। यही होगा, ये जो है इस फॉर्म को ही आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मेरा मेरा अपलोड दिखा दे रहा हूँ कि OBC के मेरा कैसा किया था मैंने। तो ये देखिए, ये है मेरा OBC सर्टिफिकेट, ये मैं ऐसे मर्ज करके बनाया था। ये मेरा OBC NCL सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो मैं प्रोसेस बोला उसके द्वारा जो सर्टिफिकेट बनेगा, ये OBC NCL सर्टिफिकेट जो कि मांगता है एक्चुअली जैम के ऑफिशियल पोर्टल में। और उसके साथ साथ मैं ये मेरा जो स्टेट OBC सर्टिफिकेट है वो भी दे दिया था, ठीक है, सबमिट किया था। तो यही चीज़ आपको, मतलब आप जब एडमिटिंग इंस्टीट्यूट IIT में जब एडमिशन लेंगे तब भी ये चीज़ आपको मांगेगा। तो आपके पास अगर आपके ओरिजिनल OBC सर्टिफिकेट है तो फिर ही आप इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप मतलब आपके पास सपोज नहीं है आप, तो फिर अगर आप इसको फिल करके अगर दीजिए, मतलब देंगे, और बाद में अगर आप नहीं दे पाएंगे ओरिजिनल, तो फिर आपका एडमिशन कैटेगरी के थ्रू कैंसिल हो जाएगा। तब आप जनरल कैटेगरी में के हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सारे चीज़ को आपको एक बार ज़रूर गो थ्रू करना चाहिए, इस इंफॉर्मेशन ब्रोचर को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिर आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पर पहले यहाँ पर जाना पड़ेगा, फर्स्ट आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर, न्यू यूज़र आप है, न्यू यूज़र में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अच्छे से दीजिएगा, अपना खुद का ईमेल आईडी दीजिएगा। साइबर कैफे से आप कर रहे हैं तो साइबर कैफे का मत दीजिएगा, आपका खुद का ईमेल एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। और आपका मोबाइल नंबर जो कि मतलब अगले 2-3 साल तक या फिर लगभग 2 साल तक तो आपके पास रहेगा, ऐसा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप ज़रूर दीजिएगा। और पासवर्ड याद रखिएगा, ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पर पासवर्ड लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि ये एडमिशन एडमिशन टाइम तक भी आपको ये मतलब
ये इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जब निकलेगा, रिजल्ट निकालने के लिए भी आपको बार बार इसमें लॉग इन करना पड़ेगा, तब ये चीज़ें ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करिए, उसके बाद इससे एक मतलब आपका रजिस्टर हो जाएगा, आपका नाम और आपका ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉग इन पेज लॉग इन करना पड़ेगा, यहाँ पर नाम मतलब ईमेल आईडी पासवर्ड दे के कैप्चा को फिल करके सबमिट करेंगे, तो आप लॉग इन पेज में आ जाके मतलब आपको वहाँ पर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वहाँ पर डेट एड्रेस और कहाँ पर आप एग्ज़ाम सिटी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये सब कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम सिटी को अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। वो सब कुछ मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट है आपका ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।